नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कोविड संबंधी हालात पर चर्चा होने की संभावना है और कुछ मंत्रालयों के कामकाज की भी समीक्षा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। जम्मू में वायुसेना एयरबेस पर ड्रोन के जरिए गिराए गए विस्फोटक के बाद सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन दिखने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब बुधवार को सुबह सुबह जम्मू के कालूचक और कुंजवनी में 2 ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई है और इसे लेकर सुरक्षा बल सतर्क है। अमेरिका अफगानिस्तान से कुछ दिनों में अपनी पूरी सेना को वापस बुला सकता है। अमेरिका के रक्षा कार्यालय के हवाले से रिपोर्ट आई है कि कहा गया है कि यह हफ्ता वापसी और पीछे हटने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हफ्ता हो सकता है। ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के लिए की गई डील को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। ब्राजील में इस डील पर काफी सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब $32 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। पूर्व दिल्ली में रस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक घटना शादरा के फर्श बाजार इलाके की है। फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी उसके बाहरी तरफ एक दुकान है, जहां गैस सिलेंडर रिफिल करने और चूल्हे की मरम्मत होती थी। रात को उसी दुकान के अंदर रखे सिलेंडर में ही ब्लास्ट हो गया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 98 साल के दिलीप कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। खबर है कि दिलीप कुमार को फेफड़े के संक्रमण की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आई है। मशहूर एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का सुबह निधन हो गया है। उनके निधन से उनके परिवार ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। पारिवारिक सूत्रों के माने तो मंदिरा के पति का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी मामले में सजा पूरी हो गई है। औपचारिक तौर पर आज ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं। ओपी चौटाला की स्पेशल रिमिजन मंजूर कर ली गई। आपको बता दें कि ओपी चौटाला जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे थे। सजा पूरी होने से 6 महीने पहले ही वह जेल से रिहा हो रहे हैं। स्पेशल छूट की वजह से सजा 6 महीने कम हो गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 45,951 नए केस सामने आए हैं, जबकि 817 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,03,62,848 हो गई है। देश में अब कोरोना के 5,37,064 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,94,27,330 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 3,98,454 लोगों की जान जा चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।